गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बैठक की। बैठक में श्रीगंगा सभा के महामंत्री और अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने गंगा की स्वच्छता के लिए कई निर्देश दिए। हरिद्वार में गंगा की स्वच्छता के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बैठक में निर्देश दिए कि गंगा जी में श्रद्धालु पूजा सामग्री का सामान डाल देते हैं, उसके लिए गंगा में प्रोटेक्शन जाल सभी पुल पर लगाया जाए। उन्होंने बताया कि कुछ लोग खंडित मूर्ति गंगा के किनारे रख देते हैं, जिस कारण खंडित मूर्ति पैरों में आती है, उसके लिए भी एक स्थान चिन्हित किया जाए ताकि आस्था भी बनी रहे और खंडित मूर्ति पैरों में भी ना आए। और पूर्व में जो निर्णय लिए गए हैं उसको उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है या किया गया या नहीं किया गया, इन चीज़ों को लेकर आज चर्चा थी। तो पूर्व में जो निर्णय लोग उसमें उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए जितने भी कमेटियाँ हमारी बनी हैं उनको निर्देशित किया कि रविवार जो बैठक में आएंगे तो कंप्लाइंस रिपोर्ट के साथ आएंगे, ये ना हो कि बार बार हमें उसी चीज़ को दोहराना पड़े। जितने भी मेम्बर्स लोगों ने शिकायतें की थी कम से कम उनकी भी उसके संबंध में जानकारी भी हो, उसका क्या कार्रवाई उसको लेकर। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जिलाधिकारी के साथ बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जल्द ही अधिकारी द्वारा बताए सुझावों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। सारी जो हवन सामग्री पूजा सामग्री गंगा जी में देखी जाती है, बहुत से लोग अपने पॉलिथिन में सामान करके भेजते हैं, उसके लिए प्रोटेक्शन जाल की तरह जैसे कुछ पुलों पर लगा हुआ उसको सारे में लगाया जाए, उस पर एक सैद्धांतिक सहमति मिली और उसके लिए कहा गया कि उसके लिए एक एस्टिमेट तैयार किया जाए और जिससे फंड रिलीज किया जाए। और खंडित मूर्तियों के विषय में भी बातचीत आई कि बहुत सारे लोग खंडित मूर्तियाँ गंगा जी के तटों पर रख देते हैं जो पैरों में आती है, आस्थाएँ प्रभावित होती हैं, उनके लिए भी एक स्थान नियत कर दिया जाए जिससे कि आस्था भी बनी रहे और ये एक तरह से जो खंडित मूर्तियों का निस्तारण है वो भी हो जाए, उसके लिए स्थान चिन्हीकरण के लिए आवश्यकता। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।